11 जनवरी की सुबह शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को सूचना मिली कि गुरुद्वारा चौराहा सिद्धेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जैन मंदिर में चोरी हो गई है। घटना पर से तत्काल पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने शहर के तीनों थाना प्रभारी एसडीओपी शिवपुरी को मौके पर तलब कर स्वयं पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर सूक्ष्मता से मौका मुआयना किया और प्राथमिकता पर संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को घटना को लेकर दिशा निर्देश दिए। टीम ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की और पूरी पुलिस टीम ने एक अच्छी टीम भावना से काम करते हुए सीसीटीवी कैमरों और साइबर की मदद से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरी पुलिस टीम ने घटनास्थल जैन मंदिर और कमलागंज क्षेत्र के लगभग 250 मकानों का गोपनीय सर्वे किया। इस आधार पर शीघ्र पता लगा लिया कि घटना में स्थानीय युवकों के साथ दिगर शेले के भी कुछ बदमाश शामिल हैं। इस क्लू पर काम करते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों को खुलासा करते हुए घटना में शामिल 7 युवकों में से 5 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की प्रतिमाएं बरामद कर ली हैं। सर, 11 तारीख को जो जैन मंदिर चोरी हुई, जैन मंदिर में छतरी जैन मंदिर है हमारा थाना देहात में, इसमें चोरी हुई थी जिसमें 2 भगवान की मूर्तियां गई थी और साथ में दान पत्र तोड़ के उसमें से पैसे निकाले गए थे, कुछ चांदी का छत्र वगैरह भी उसमें गए थे। और ये वारदात के बाद में तत्काल सारे पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पे गए थे। हमारे एसडीओपी शिवपुरी अजय भार्गव और उनके साथ में हमारे तीनों थाना प्रभारी शहर के जो हैं, थाना प्रभारी देहात विकास यादव, अमित भदौरिया, सब इंस्पेक्टर कृपाल यादव, थाना प्रभारी फिजिकल, तीनों ने मिलकर अपनी टीमें बनाई और पूरे क्षेत्र का बड़ा बारीकी से सर्वे किया, कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, और जितने सीसीटीवी लगे थे उनके फुटेज लिए, साइबर की मदद ली और फॉरेंसिक की मदद ली। तो हम लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि लोकल आदमी इसमें शामिल है। अब इसमें पूछताछ में और लगातार जानकारी रखने के बाद में हमको लोकल के 2 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली। उनसे पूछताछ करने में पता लगा कि इसमें जो आरोपी है वो सागर से आए थे। वो तीन आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी हमने 5 आरोपी पकड़ लिए हैं, दोनों मूर्तियां सुरक्षित बरामद कर ली है। हमने इसके साथ में घटना में प्रयोग किए गए अपराध में 2 मोटरसाइकिलें जो स्थानीय लोगों की है दोनों जब्त की है, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे सागर के लोग यहाँ आए थे उनको किया है। अभी 1 आरोपी सागर का बचा हुआ है और 1 आरोपी करेड़ा का बचा हुआ है, जिसमें हमको 7,000 रुपए नगद बरामद करने में भी सफलता मिली है। और जो टीम को 10,000 रुपए नगद इनाम देने की पहले से घोषणा की गई थी वो भी उनको दिया जाएगा। बहुत अच्छी मेहनत इन्होंने की है और ये बहुत जल्दी 48 घंटे में ये बहुत अच्छी सफलता शिवपुरी पुलिस को मिली। अभी बहुत कम टाइम हुआ है लेकिन अभी कैमरा फेसिंग में उन्होंने ये बताया है कि उनको करेड़ा के एक व्यक्ति जो बदमाश है इसमें, उसने बताया था कि यहाँ पे वारदात करने चलना है और वो व्यक्ति जो सागर से आए थे उनका कहना था कि हमें ये लोकल वाले भी इतना ज्यादा नहीं जानते थे, स्थानीय शिवपुरी वाले, कहीं करेड़ा वाला मीडिएटर था, इसके साथ हम आए थे और करेड़ा में उस व्यक्ति ने मूर्तियां रख ली थी, बाकी कैश हम लोग ले गए थे और थोड़ी देर बाद इसका बंटवारा करते हम लोग बेचने के बाद में। और अभी इनका प्राइमा फेस ये कहना है कि जैन मंदिर था, काफी आना जाना वहाँ होता है, प्रतिष्ठित मंदिर है, तो इनको ज्यादा पैसे की उम्मीद थी और पैसा नहीं मिला तो ये मूर्तियां लेके। मैंने बता दिया आपको, अभी प्राइमरी इंटरोगेशन हुआ है, आज ही पकड़ा है इनको, अभी इनसे पीआर भी लेंगे, वैसे और पूछताछ करेंगे, इनके साथियों को भी पकड़ेंगे और चीजें क्लियर होंगी जो ये बताएंगे हम उसको अन्य एंगल से भी वेरीफाई करेंगे। इनमें से तीनों जो सागर के हैं तीनों का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाया गया। लोकल के 2 व्यक्ति हैं शिवपुरी प्रॉपर के और 1 व्यक्ति करेड़ा का जो फरार है।